अभी अभी भोजपुरी बतकई पर सबसे पहले एगो बहुत बड़ा ब्रेकिंग आ रहा बा। इस संबंध में बतावल जाता कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जौन पहले राजद में ही रहनी है, राजद से बगावत करके अब अपन नया पार्टी बना ले बनी, तो पप्पू यादव पटना से चल के सिवान के बाहुबली सांसद, पूर्व बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के घर, वहाँ के बेटा मोहम्मद ओसामा से आज शुक्रवार के आके मिलनी है। बतावल जाता कि कई तरह के चर्चा बा, कई तरह के ऑफर मिल रहा बा, वहाँ के लगातार जौन सामने आवता बात ओजा के सूत्र जौन बता रहा बा, स्थानीय लोग के अगर मानल जा तो लगातार चर्चा हो रहा बा कि पूर्व मित्र पप्पू यादव जौन मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के बहुत करीबी रहल बनी आ पहले आरजेडी में ही यहाँ के रहल बनी, तो कई गो राज भी उगलनी है, कई गो ऑफर देनी है। आ जैसन सुने में आ रहा बा कि बहुत जल्दी कुछ नया होखे वाला बा, हालांकि अभी पप्पू यादव जी कुछ बोले से इनकार कनी है, पत्रकार बड़ी मेहनत कैल हलो, आज सोशल डिस्टेंसिंग के कारण बहुत ज़्यादा लोग भेंट भी ना कैल है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भी ना रहल है, पुलिस प्रशासन रहल है। आ देर संध्या आज शुक्रवार के 7 मई के जाप सुप्रीमो पप्पू यादव मोहम्मद शहाबुद्दीन के मृत्यु भैला के बाद जानकारी जब मिलल है कि वहाँ के लड़का पुत्र मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र मोहम्मद ओसामा आ वहाँ के पत्नी हिना साहब सिवान के प्रतापपुर यानी मोहम्मद शहाबुद्दीन के पैतृक गांव आयल वालों, तो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जाप पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ऐनी है। यो बतावल जाता कि वहाँ के दुख भी व्यक्त कनी है आ ए अवसर पर बहुत देर तक गुफ्तगु के भी चर्चा बा, तो शेयर करी सब्सक्राइब करी। सबसे पहले भोजपुरी बतकही पर ई ब्रेकिंग रुआ के दे रहल बनी, शेयर करी सब्सक्राइब करी, अपना भाषा के मान सम्मान बढ़ाई।